हेलो गाइस, स्वागत है आपका नया स्वीट किचन में। हम आपके लेके आए हैं टेस्टी से मोदक की रेसिपी। ये है हमारे हमारे केसर मलाई मोदक है, ये हमारे पान मोदक है और बहुत ही यम्मी बनते हैं। और ये देखिए, एक बिल्कुल छोटू सा हमारा मोदक बनकर तैयार हुआ है। चलिए आप बनाएं और इंजॉय करें। और चलिए हम बनाना शुरू करते हैं और आप इंजॉय करें रेसिपीज को। और बगैर मोल्ड के भी हम मोदक बना सकते हैं और गणपति बाप्पा को भी बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आप किसी भी प्रसाद में इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिए। चलिए एंजॉय। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर दूध लिया है, इसकी फ्रेश मलाई आप देख सकते हैं इस तरीके से। मेरे पास ये छलनी है, मैं इसमें निकाल रही हूँ। तो आपको 2 चम्मच इतनी मलाई का यूज़ करना है इस तरीके से। आप चाहे तो कोई कपड़े में, ये बिल्कुल बारीक वाली छलनी है इसलिए मैंने इसमें निकाला है, आप चाहे कोई कपड़े में भी निकाल सकते हैं, ताकि हमारे पास जो है थोड़ी सी मोटे वाली मलाई हमारे पास बच जाए और जो एक्स्ट्रा मिल्क दिख रहा है ना आपको, ये निकल जाए। चलिए हम इसको कर देते हैं साइड में, तब तक हम देख लेते हैं। मेजरमेंट लेंगे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का, फ्रेश कोकोनट से भी बना सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया 1 कप, ये देखिए ये 2 कप, दूसरा कप इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये छोटी प्लेट है, इसलिए तो हमने यहाँ पर ले लिया 2 कप कोकोनट पाउडर। मैंने लिया है, मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप, मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच देसी घी। मैंने नारियल और मावे की भी, चलिए हम घी को मेल्ट होने देंगे अच्छे से। हम डाल देते हैं घी मेल्ट हो चुका है, इसमें नारियल डाल देते हैं अपना, थोड़ा सा नारियल इसमें से बचा लूँगी और अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे। हमारा जो है कोकोनट अच्छे से भून चुका है और हल्का सा इसमें ब्राउन कलर भी आ गया है। मैं कुछ करने लगी थी तो 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था, इसलिए हल्का सा बस ब्राउन कलर आया, ज़्यादा नहीं। इसमें उस टाइम पर हम डाल देते हैं हमने चीनी लगभग 1 कप, थोड़ी सी बचा रही हूँ तो हम चीनी और दूध को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इसका। इसको जब तक पकाना है, चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसके साथ इसको पकाना है। चीनी को अच्छे से मेल्ट करने के लिए 1/2 कप आधा ग्लास दूध और डाल रही हूँ मैं इसमें। चलिए हम इसमें चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी तो ये और सॉफ्ट होता जाएगा। इसमें हमें 1/2 ग्लास जो दूध डाला है वही इनफ है, उससे ज़्यादा आपको दूध नहीं डालना है। इसी के बाद हम डाल देंगे जो हमने मलाई रखी थी, उसमें से हमने चाहिए था वो निकाल लिया, बाकी की मलाई हम इसके अंदर ही डाल देंगे। इससे जो हमारा रिच टेस्ट आएगा और इसका वजह से बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाएगा। चलाते हुए बिल्कुल 5 मिनट के अंदर पका लेंगे। हम गैस को कर देते हैं बंद, ये चीज़ें ठीक हो चुका है। 2 पोर्शन कर लेंगे इस तरीके से, हमने 2 पोर्शन अलग अलग कर लिए हैं। मैं 1 कोन डाल लूँगी। बनाने वाले हैं पान मोदक बगैर पान के, उसमें डाल दें थोड़ा सा ग्रीन कलर। ओके, आप मिक्सी को स्पून के हल्के कीजिए, बहुत गर्म है ना, हाथ जल सकता है। इस तरीके से उसको अच्छे से कलर में मिक्स कर देंगे हम। इसमें मलाई मोदक के लिए हम डाल देते हैं, यहाँ पर हमने पानी को केसर में भिगो कर रखा था तो मैं उसमें वो डाल रही हूँ। और इसमें अच्छा सा कलर आया इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर का भी यूज़ कर रही हूँ। लोगों को ठंडा होने देंगे, तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये हम पान है पान मोदक के लिए बना लेते हैं। मैंने ले लिया गुलकंद, मोदक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है गुलकंद। काजू और पिस्ता का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करें, सौंफ का फ्लेवर लाइक करें तो डालें वरना ना डालें। वैसे इसमें डलती है, मैंने यहाँ पर डाले कुटी हुई सौंफ, मैंने थोड़ी डाली क्योंकि मेरे घर में कम ही इसका टेस्ट लाइक करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं कोकोनट, बस के कोकोनट अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुलकंद हमारा मीठा है, चीनी की तो हमें वैसे ही ज़रूरत नहीं होती है, उसकी हम बनाकर छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे।
देखिए इस तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी सी बना बना कर हम रखते जाएंगे इनको। ये देखिए हमारे ये वाले स्टफिंग जो है तैयार है। हम बना लेते हैं अपनी मलाई स्टफिंग। मलाई स्टफिंग के लिए हमें जो देखिए कितनी हमारी जो मलाई है वो सख्त हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने आप डाल दे रहे हैं हम इसमें 2 इलायची और कुछ ये थोड़ी सी चीनी, सारा चीनी है यूज़ नहीं करूँगी, वो 2 चम्मच के करीब हमारी चीनी है, क्योंकि हमारे जो ऊपर का बेस है उस वैसे प्रसाद जो है वो मिठाई होता है। चलिए हमारी जो मलाई है उसमें डाल देते हैं अपनी, देखिए हमारी जो पीसी हुई चीनी और इलायची वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ढेर सारे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। 1 चम्मच में इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं अच्छे से हमारी स्टफिंग जो है तैयार हुई है। आप देखिए हम छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे इस तरीके से। इसके साथ जो हमने चीनी डाली है वो डल जाएगी। अगर आपको इस तरीके से मलाई का यूज़ नहीं करना तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मलाई से टेस्ट आता है वो बहुत ही यम्मी आता है। कई बार नहीं होता है हमारे पास मिल्क पाउडर भी घर पे, तो आप इस तरीके से बना कर ट्राई कीजिए। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पोर्शन लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं हम जो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा स्पेस इसमें बना। हमारा मोदक जो है ये सॉफ्ट है ना, इसलिए टूट भी रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो मोदक है वो बनकर तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से मैं सारे मोदक बनाकर तैयार कर लूँगी। ये भी बना सकते हैं हमने मोदक को। हम इसमें भरेंगे अपने स्टफिंग। स्टफिंग भरने के बाद इस तरीके से मोदक की शेप दे सकते हैं। बगैर मोल्ड के भी हम मोदक बना सकते हैं। इस तरीके से शेप देते हुए हमें इस तरीके से चम्मच की हेल्प से इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बना देंगे। देखिए हमारा मोदक ये वाला कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। चलिए हमारा जो है पान मोदक जो है तैयार है। इसको पिस्ते की कतरन से इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे। चलिए हमारे जो है पान वाले मोदक तो बनकर तैयार है। इनको मैं फिर साइड में अपने चलिए हमारा कैमरा हिल गया था तो एक मोदक ने बना लिया। अब इसकी पुखिया इस तरीके से स्टफिंग देखिए ये हल्का सा टूट आ रहा है क्योंकि ज़्यादा ही सॉफ्ट है कुछ, इसलिए इस तरीके से देख सकते हैं हमारे मोदक बनकर तैयार हुआ है। हम इस तरीके से ही सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों मोदक बनकर तैयार है। ये हमारा पान मोदक है और ये हमारा केसर मलाई मोदक बनकर तैयार है। ये देख सकते हैं हम दोनों को इस तरीके से तोड़ कर दिखा देते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं मलाई इसके अंदर देखिए बहुत ही यम्मी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो अपना पान मोदक भी आपको खा लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टूट भी रहे हैं। और बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इंजॉय करें हमारे मोदक को और गणपति बापा को भोग लगाएं। इंजॉय करें मेरी रेसिपीज़ को। और मैंने पान की बहुत सारी रेसिपी आपको दी हुई है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। सभी वीडियोज़ का ज़रूर देखिए और चलिए इंजॉय करें आप मेरी रेसिपीज़ को। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।